हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। चलिए आज जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। यानी जब कोई दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के आसपास कुछ दूरी पर रखे हों तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी नेचर कैसी है। दो अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब नेचर से क्या मतलब है? नेचर मतलब दो चार्जेस, चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज लाया करता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज लाया करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो पॉजिटिव चार्ज यानी अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे के करीब लाए जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब लाए जाएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब लाए जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के आसपास हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। मतलब दो चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आखिर चार्जेस कितने मैग्नीट्यूड के हैं। अगर जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का इंक्रीज होता जाएगा उतना ही उन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, और दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। यानी जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आएगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ही है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिक्रीज होगा, और अगर डिस्टेंस घटेगी तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इंक्रीज होगा। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को आपने अगर दोगुना कर दिया, डिस्टेंस को दोगुना कर दिया तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, और अगर आपने डिस्टेंस को आधा कर दिया तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के घटने से फोर्स बढ़ता है और डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपने आधा किया तो 1/2r का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/4r² आएगा और फोर ऊपर जा करके उस फोर्स को 4 गुना कर देगा। ये तब होगा जब आप चार्जेस को एज इट इज़ रखें और बस उनके बीच की डिस्टेंस को वैरी कराएं। दूसरी बात, अगर आपने डिस्टेंस को एज इट इज़ रखते हुए चार्जेस को के मैग्नीट्यूड को वैरी कराया, यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच में उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस तो उतनी ही रखी जितनी पहले थी और चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर दिया तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपने डिस्टेंस उतनी ही रखते हुए चार्जेस को डिक्रीज़ कर दिया तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया होगा और आप वीडियो भी पसंद कर रहे होंगे। तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।